कोई सी भी नहाई नहीं है ना तू ना गई सिब्बू सच सच बताइए ना गई है ओए लखनी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल वेलकम बैक टू लखनी व्लॉग्स अभी सुबह सुबह मैंने एक स्यापा कर दिया है हुआ क्या ना अपने को मैच खेलने जाना जैसे कि आपको पता था एक्चुअली ये टीम रचित की है रचित आया हुआ है नीचे और भाई मैंने अलार्म लगा के सोया था 5:30 बजे का और रचित मेरा भाई सुबह 5 बजे इधर आ गया और सुबह 5 बजे से कॉल पे कॉल कर रहा है मुझे और 11 मिस्ड कॉल दी थी जब मैं उठा देखो नीचे आ गए सब लोग गाइस ऑल द बेस्ट जीत कर आना ओके ओके मैच देखना आना चाहिए था वैसे चलो थोड़ी देर में आते हैं गुची को मिला गुची का न्यू फ्रेंड हेलो इंस्टा मैं जस्ट घर गया था अपना किट बैग लेने के लिए और देखो पूरी टीम हमारी यहीं तैयार हो रही है सब लोग वार्म अप कर रहे हैं लिटरली मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि अगर मैं टाइम पे नहीं उठता तो आज क्या होता सिब्बू का डाउट देखो ना क्या सिब्बू क्या मुझे लगा ये सब आ रही सूरज ने लिया है सूरज ने लिया यार अलग थोड़ी है रचित ने भी तो लिए अरे हम तीनों भाई एक ही तो है क्यों सूरज आ जाए भाई सुनो तुम चल रहा हूँ भाई देखो ये लड़का दूसरों पे नाम लगाता है चलो भाई चलो मैं सोच रहा था ये कुछ दही वही लेके आएंगे आरती उतारेंगे हमारी देख आई दोनों कोई सी भी नहाई नहीं है ना तू ना कही सिब्बू सच सच बताइए ना कही है अबे यार तू ही रहेगी नहीं तो फिर सॉरी यार ये सीन में काट दूंगा सॉरी चलो भाई मैं बता दूं आपको कि मॉम की तबीयत अब ठीक है कभी कभी मॉम को हो जाता है हफ्ते में एक बार या महीने में एक दो बार ऐसा हो जाता है जब उनको वीक फील होता है एनीवेज लखन गए अपना मैच खेलने तो वो अपनी टीम को जिता देगा बहुत अच्छा भैया गाली बकरा देख लो नहीं करते एक गाली बकरा भाई एक बंदा हमारी टीम में ऐड होता हुआ घूस दिया मेरे को टीम में लेने के लिए 50 रुपए में बिक गया कप्तान ऑप्शन नहीं ये बंदा कहां से आया वाइल्ड कार्ड एंट्री रिटेन कर लिया भाई रिटेन करा मैंने 50 रुपए में वाइल्ड कार्ड एंट्री गाइस देखो अभी सूरज की बारी है मैं कैच कर लेता हूं सूरज पकड़ ले 4 में से 5 कैच छोड़ चुका जब से कप्तान साहब क्या हो रहा है हां भाई हमारे कप्तान ही कैच छोड़ रहा है नहीं पकड़ी तो भाई एक छोड़ी भी तो कोई नहीं यार भाई हमारा बेस्ट फील्डर पता कौन है सूरज कौन अरे ये चढ़ा दी कैच छोड़ेगा तभी तो बेइज्जती होगी सूरज सीरियसली कर ले यार मैं सच बता रहा हूँ पता नहीं यार सीधी सजा ही मौत है 4 राउंड है ग्राउंड के आपके छोड़ते ही कैश ले उल्टी उल्टी गुरुजी को करा रहे प्रैक्टिस भाई वो उसको किक नहीं मिल रही विकेट कीपिंग वाली भाई भाई हमारी चांस है देखते हैं कैच होता है या नहीं चलो भाई बारह थे यार हम दोनों के बीच में कैच था मैंने कॉल किया मेरा हाथ लग गया इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा फ्रेंड्स हम सभी किट यहाँ आ चुकी है और अभी हम सबका क्योंकि पहला मैच है तो सबका डेब्यू एक तरीके से सबको सर किट देंगे अपने हाथों से आज हमारी यूट्यूब सुपर स्क्रीन को जर्सी गिफ्ट करी जा रही है जो इस जर्सी को पहन के हमारे प्लेयर्स खेलेंगे तो सबसे पहले मिस्टर रचित नंबर 13 हैप्पी बर्थडे शाबाश सूरज ने आज बहुत अच्छा कैच पकड़े हैं और बहुत ही अच्छी फील्डिंग कर रहा है अच्छा गाइस मैं आपको बता दूं ये 5-9 नंबर इसलिए लिया है क्योंकि 5-9 नहीं वो 9-5 था नंबर भाई गाड़ी ऑफ कैंडो सब में 9-5 था मैंने तो इसलिए लिया रचित भाई नंबर उठा लिखवा दिया मेरा रचित तक आया मैं दिखी नहीं रहा उधर है भाई लेकिन यार बहुत बहुत अमेजिंग फील आ रहा है और टीम का एनवायरनमेंट इतना अच्छा बना है भाई आ रहे आ रहे आ रहे कप्तान साहब हमारे लोअर वगैरह दे रहे हैं सूरज दिखा नंबर दिखा अपना मेरा 6 नो नो भाई और कोई वो नहीं है 6 के पीछे रीजन बस ली है मैंने 6 जो मन में वो अब मेरा साल अच्छा सुन जो रीजन के लिए लिया उसको कौन सा आ गया ये भी तो उल्टा लिख दिया ज्यादा सामान दिया आपने हमारा लोअर तो दिया ही नहीं हम धरने पे बैठ जाएंगे टॉस होने वाला है उम्मीद करता हूँ जीत जाइए टॉस भाई सुन एक घंटे से हम यही प्लानिंग कर रहे हैं टॉस जीत के क्या ले अब तो यही नहीं पता तो जीते हम ये ये देखते हैं यहाँ पर यूट्यूब सुपर किंग्स के कैप्टन हमारे बीच में है कहाँ पर जो औसतन स्कोर है वह 18 के आसपास रहा है एक बॉल के लिए वो मारने के लिए जाएगा उस पर वो आउट होगा ठीक है 5 बॉल है आपको बचना है
छठी बॉल पर वो अपने आप ही क्लियर करने जाएगा, रन बनाने जाएगा, जैसे भी उल्टा सीधा करेगा, बस कुछ नहीं है। जय माता दी। सूरज भैया, लखन भैया, ये बार अच्छा गया है भाई, बहुत कैचेस छोड़ रहे हैं यार। क्या लगता है आपको अभी? अभी भी कंट्रोल में है, एक बार अच्छा गया, दो बार अच्छा गया ना, बैट्समैन पे इतना प्रेशर आ जाएगा, खुद आउट हो जाएंगे। हमारी देखो तीन कैच है छुट्टी, चलो आ जाओ बढ़िया। वापस कमबैक लेते हुए कितने तीन विकेट हो गए ना? हाँ तीन विकेट हो गए, तीन विकेट ले लिया और फाइनली रन भी नहीं पड़ने दे रहे, स्टार्टिंग में तो बहुत दुलाई हुई थी, अब तो सही चल रहा है मैच, अब थोड़ा सा वापस कमबैक। हाँ तो जैसे पूरा ओवर पीछे पीछे से निकाला ना, हाँ तो ये थोड़ा डबल माइंड हो रहे हैं अभी, पीछे पीछे करने बाहर रिस्क नहीं ले रहे। मुश्किल करेंगे बंदा, टारगेट मिला है 267 कितना था? 267 क्योंकि पहला मैच था तो रिदम नहीं बनी। कैसे लखन भैया? मैच अच्छा चल रहा था, फिर आया लखन भाई का ओवर, फर्स्ट पे आप ही जा रहे हो भाई यार, हर सबसे ज्यादा कैच भी मेरे पे छोड़ा, फील्डिंग मेरे पे सबसे ज्यादा छोड़ी है। डोंट वरी गाइस, रेडी हो? यस रेडी यार, बिल्कुल। यहाँ वापस ही मत आना, गेम खत्म हो जाए उससे पहले आना ही मत यहाँ पे, वहीं से भाग जाऊँ घर सीधा, नहीं फिर तो मैं आ जाऊंगा वहाँ पर, आ जाएगा ना, पहले मुझे आना पड़ेगा। मैं पानी की बोतल लेके रेडी रहूंगा, बस ऐसे हिला देना हाथ में, आ जाऊंगा भाग के। डन भाई। टीपू भाई बोल रहा है, मैंने क्या सबकी बैटिंग है, इस भी काशिप दे ही है ना, तो बिल्कुल आता नहीं, ये सारे शौक कर लो, चश्मा पहन लो, टोपी पहन लो, वाइट पूरे शौक कर लो, फील्डिंग बहुत अच्छी थी भाई। ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट भाई, लोग भाई लोग लेकिन जिस तरह से लखन बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। आपको क्या लगता है, ये शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है लखन भाई, टिके रहना। देखिए उनके साथी अपने खिलाड़ी को यहाँ पर जरूर मोटिवेट कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जब तक लखन भाई क्रीज पे तब तक तो हम जीते हैं। अच्छा आपको लगता है कि लखन भाई क्रीज में मौजूद है तो आपके जीतने की संभावनाएं प्रबल है पूरी? चलिए देखना होगा कि यहाँ पर लखन इनकी उम्मीदों पर कितने खड़े उतरते हैं। दो ओवर तीन बॉल हो चुकी है और अभी तक रन बन चुके हैं सर, मन सिमरन ने 33 रन बने, 33 रन विकेट गिर चुके हैं, लेकिन अभी लखन भाई क्रीज पर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आज मुझे लग रहा है सबकी बैटिंग आने वाली है, चल रहा है खेलते रहना, खेल लीजिए आप। अरे यार हाँ भाई मैच खत्म, तो जैसे कि आपने देखा हमने नया रिकॉर्ड बनाया, सबसे मजा आया यार जिस चीज के लिए आए थे, क्यों सूरज? हाँ एंजॉय किया, एंजॉयमेंट हुआ फुल यार, लेकिन हाँ हारे बहुत बुरी तरीके से। अरे चलने उनको क्यों एक भाई पता क्यों रहा है कैमरे में? अरे हम जीत गए, आपको क्या बताऊं, मैं जीत गए, हमने लोगों का दिल जीता है, 50 रन उन्होंने मारे, 85 मैंने मारे, मैंने लोगों का दिल जीता, लोगों की किडनी जीती, किसी और ने कुछ और जीता। लड़का कल प्रैक्टिस कर कर आया और नाक कटवा दी हमारी। अरे तो यार मैं एक दिन प्रैक्टिस करने से चैंपियन बन जाते हैं। और आप तो बड़े बहादुर बन रहे थे कि मैं खेल लूंगा ये कर लूंगा, क्या हुआ? पहले सुनो पहले इनको ओपनिंग क्या हुआ? हाँ हमने उनको बोला, मतलब बात कर रहे थे मुर्गा ना, तो सामने वाली टीम से कमेंटेटर ने पूछा कि आप कितना टारगेट करेंगे, तो बोला 200 से ऊपर बैटिंग जरूर करेगा, रचित भाई ने बोला 150 तक ही रोक लेंगे, ठीक है, और हम लोग ना हारे 150 रन से। हाँ ये हार गया है और देखो कितने खुश है, नाक कटवा दी, ये क्या कर रहा है तुम लोगों ने, हार कर आ गए यार, बहुत बुरा किया रचित, मुझे बिल्कुल अच्छा यार लगा। देख हमारा प्रैक्टिस नहीं थी, हमारा प्रैक्टिस में था भाई, मेरी मेरे उसमें कुछ बोलो, क्या किया तुमने ये बता, पक्ष में कोई नहीं बोलेगा, मेरा आउट हो गया, देख हाँ अपनी लीज लेकर आए थे घुमाने के लिए, चल चलेंगे अभी घर पे चलेंगे, हम नेक्स्ट मैच जीतेंगे, कोई बहुत बुरा किया तुम लोगों ने, लेकिन हमें बहुत मजा आया सच में, हम दोनों को तो लेकर नहीं गए, तो तुम हंसते हो इस चीज का भी हमारे ऊपर थोप दो, हमने बोला नहीं, मैंने मेरे ब्लॉग में देखना, मैंने बोला था कि चल लो, तो इन्होंने बोला कि यार हम नहीं, मैंने बोला यार अच्छे झूठ नहीं बोलो यार, नेक्स्ट टाइम आ जाना, नेक्स्ट लोग इसलिए हार गए हम लोग नहीं आए इसलिए, हाँ इसलिए हार गए, नेक्स्ट टाइम आना, तुम नेक्स्ट टाइम जीतेंगे।
क्या तुमने तो अपना अलग छोड़ दिया वहाँ है? मेरा तो अलग वही है। और अभी वैसे, वैसे होता ही है, जैसे कई बार अनुष्का आती तो विराट हारता है, पर हम वैसे हार गए, हम जीतेंगे नेक्स्ट टाइम। अब इनके जाने का टाइम हो चुका है, काटता है ये सबको, काटता है। रजत भैया क्या हो गया आपको? सब जगह फिटनेस आ रही है थोड़ी ज्यादा, खाना अच्छा से नहीं खाया मैंने तो, प्यार से बनाया तो बात कवर। मैंने भाई भगवान कसम मैंने सिब्बू के लोगों में भी यही बोला है कि मैंने नेक्स्ट मैच में मैंने वैसे भी बोला मैं नहीं खाऊंगा, यही आगे खाऊंगा, खाना बहुत अच्छा था पर पेट भाई नेक्स्ट टाइम वो बनेगी जो बहुत अच्छा बनाती है, राजमा राइस सांभर राइस। सब शिब्बू जल्दी आना, बहुत जल्दी मिलते होंगे। ब्रो जल्दी आना, जैसे मैंने स्टार्ट किया खुद ने भी स्टार्ट कर दिया, क्यों कॉपी करते हो यार। बाय बाय इंस्टा। शिब्बू कह रही गुची में जा रही, गुची को पता ही नहीं है कौन कहाँ जा रहा है, बेवकूफ है ये बेवकूफ। ए गुची मिलते हैं बहुत जल्दी, यो गुची में जा रही नेक्स्ट मैच में। कब है? हार के आओगे क्या फायदा, क्या फायदा जब तुम लोग हार के ही आना है तुम्हें। नाक कटवा दी, कल प्रैक्टिस भी गया लड़का और उसे नाक कटवा दी। जो टीम जीती है ना वो हमारे साथ खेलने को तरस रही थी। आ, है झूठ बोल रहे हो? कोई भी नहीं जानता था मैं। कोई भी नहीं जानता था। ये दोनों भी चलेगा यार, अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, जब कोई आता और एकदम से चला जाता तो बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है। सब चले गए और अब मैं जा रही हूँ मॉम के पास। मैं बताया आप सूरज को कितनी गालियाँ दे रहे हो, मगर ऐसा कोई सूरज का इंटेंशन नहीं है। डिग्गी बंद नहीं है, आप तो फिर गाली देने में, मैंने कब खोली, इसने खोली अपनी चप्पलों के लिए। गाइस आप सूरज को गाली दे रहे हो मगर उसका कोई इंटेंशन नहीं था यशी को ना लाने का, यशी का काम नहीं था, है ना। आज कॉमेंट्स में तो गालियाँ पड़ रही है यार, तुम लेकर नहीं आया यशी को। ऐसे मत बोलो यार, बहुत बहुत स्वीट लड़का है, बहुत सीधा लड़का है हमारा, ऐसे मत बोलो उसको प्लीज। अभी हम जा रहे हैं लखन के घर पर, वहाँ पर थोड़ा चिल करेंगे, उसके बाद फिर वापस आएंगे। और यार देखो लाइट्स कितनी अच्छी आ रही है, लाइट्स अच्छी नहीं आ रही, सनरेज ज्यादा आ रही है, थोड़ा सा ठीक करो उसको। गुड बाय गुड, आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, देखो कैसे मीठा खा रहा है, ना मीठा खाने वाला इंसान। पूरी डाइट फॉलो कर रहा था लेकिन मैंने बोला ये खा के जा, मम्मी आप हर बार की डाइट बिगड़वाती हो, अभी बेचारा मना नहीं कर पाता सीधे पद में। कब तक चलेगा सूरज ऐसा? बहुत अच्छा है, मम्मी ने फिर उसे मिठाई खिलवा दिया। तुम लोग टेढ़े हो पर ये सीधा है, हो गया कुछ सीधा नहीं सब, मतलब अच्छा समझदार बच्चा, सम्मान करता है तुम्हारे जैसे नहीं है। ला 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 ला। अभी अभी आप ठीक हुई हो? ठीक है, मैंने ठीक करा आपको, तूने काम कर दिया, नजर उतारी मैंने आपकी। अरे क्या हो गया, नजर लग जाती है, तू क्यों भौंक रहा है भाई? फाइनली फ्रेंड सूरज चला गया वापस, और जो प्रैंक होने वाला है वो तो आप लोग देख ही लोगे। दूसरी बात ये कि अब नीतू भी आने वाली है, नीतू और दीदी की कुछ बहसबाजी होगी क्योंकि नीतू आज उसकी कुछ पोल खोलने वाली है कि यार खिलाड़ मैं ना बहुत थक गया हूँ, आज आपने देखा कितनी मेहनत की। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। मिलता है कल नए व्लॉग के साथ, और अगर कल सब कुछ ठीक रहा तो कल आपको स्टोरी जानने को मिलेगी कि नीतू जब मेरे घर पहली बार आई थी तो मम्मी पापा के क्या रिएक्शन थे, मम्मी पापा को नीतू कैसे पसंद है, वो सब आपको कल जानने को मिलेगा अगर सब ठीक रहा, मतलब मम्मी की तबीयत ठीक हो गई तो। इसलिए जुड़े रहो और लाइक जरूर करना, बाय, मिलता है कल।